हेलो एवरी मॉर्न हेलो माई विजिबल टू ऑल ऑफ यू माई विजिबल टू ऑल ऑफ यू लेक्चर नंबर नाइन बेसिकली ना लेक्चर नंबर नाइन ठीक है जल्दी से अपनी प्रेजेंस दीजिए फटाफट से जो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं। जल्दी से बताते रहो कि हम आ गए हम आ गए हम आ गए ऐसे करके ना अच्छा तनिष्क तो ये बात है अच्छा नमस्ते हर्ष पवन पाठक ठीक है मैं लिंक देना भूलिया लेकिन क्लास हुई थी आज यार मैथ्स की क्लास हुई थी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन मैंने कराई थी अभी थोड़ी देर पहले कराई थी फाइव थर्टी से होनी थी क्लास लेकिन किसी कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल टीम में इस कारण से वो उसका लिंक भी जनरेट नहीं हो पाया था इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया और ये क्लास मेरी सिक्स ओ क्लाक पर चली आज जबकि इसे फाइव थर्टी पर चलना था यानी अकेडमी यूट्यूब चैनल में चली थी मैथेमेटिक्स के लिए ठीक है ना तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो ये था उसका आंसर ये दे दिया यार मैं थोड़ा बार बार नहीं कहूँगा पवन पाठक स्पेशली आप पूछ रहे हैं कैलकुलस के लिए तो वो अनकेडमी यूट्यूब चैनल में चल रही है कल मैं ज़रूर याद से अभी अभी डाल देता हूँ दिमाग में याद रखना प्रणव हाँ ठीक है याद रखूंगा कल मुझे याद से मैं इसका लिंक डाल दूंगा मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसका आ, मेरे ख्याल से तो मैं फिजिक्स का भी भूल जाऊंगा कम्युनिटी में डालना में ऐसे ही हूँ यार मैं टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे खुद खुद अपने लिए नहीं मिल पाता टाइम बिल्कुल भी तो फिर वो ना टाइम के चक्कर में सब वो हो जाता है मैं इवन ये तक भूलिया लगा लो कि मुझे कम्युनिटी पोस्ट करना है वो तो बड़ी मुश्किल से ये याद रह जाता है कि मुझे वीडियो का शेड्यूल करना है वरना ये भी भूल जाता हूँ कई बार चलो ठीक है लव यू लव यू ऑल मनीष कुमार आ, अच्छा अच्छा तो कौन कहाँ पर है जल्दी बताओ हाँ ठीक है काजल कुमारी आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया ठीक है ना उम्मीद करता हूँ दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगा चलो ठीक है ठीक है और कोई रितिश हाँ अपूर्वी थी वहां पर अपूर्वी तो थी यस अपूर्वी थी बिल्कुल ईशा गुप्ता नहीं बताया यार इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको टाइम फिक्स है ना मैं भूल भी जाता हूँ अगर तो प्लीज ध्यान रख सकते नहीं रख सकते आप क्या यहाँ की टाइमिंग फिक्स है एट फोर्टी फाइव की क्लासेस से कुछ स्टूडेंट अभी कह रहे थे कि आपने लेट कर दी लेट नहीं करी एट फोर्टी फाइव शेड्यूल किया था मैं देख रहा था ऊपर से ठीक है ना शेड्यूल किया था मैंने मैंने लेट टी की थी ऐसी टाइम फिक्स है अच्छा सर 5.1 का नोटिफिकेशन आया था हाँ अशिल आप भी तो आए थे वहां पर हाँ नोटिफिकेशन तो देखो आया होगा ना जिसने नमस्ते अनिकेत हेलो विवेक करण ओझा शुभम बिंद्रा शुभम बिंद्रा हर्ष शर्मा हर वो जो मैथमेटिक्स की क्लास में ले रहा हूँ वो अनकेडमी यूट्यूब चैनल में ले रहा हूँ मैं अनकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं उस क्लासेस को ले रहा हूँ ठीक है ना जैसे ये एक यूट्यूब चैनल है मेरा वैसे ही अन अकेडमी मेरा एक यूट्यूब चैनल है ठीक है ना तो उसमें मेरा मतलब हमारा मतलब आपका और हमारा मिलकर ठीक है ना सर फाइव थर्टी पर होनी थी हाँ हाँ बिल्कुल फाइव थर्टी पर होनी थी ठीक है तो चलो यार मुझे ना एक रुक जाओ मैं कमेंट कर रहा हूं पिन कर रहा हूं उसे ठीक है रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो मैं कमेंट पिन कर रहा हूं ठीक है तो मैं कमेंट पिन कर रहा हूँ सभी के सभी देखते रहिए ठीक है तो फिर अभी हम आगे करते हैं एक सेकेंड में ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिए थोड़ा सा प्लीज एक सेकेंड मुझे कमेंट ज़रा पोस्ट करने दीजिए मैथ की क्लास है आपकी फाइव थर्टी पर ठीक है फाइव थर्टी पी पर ऐसा है ना एक काम जरूर क्या करो मेरा अन का ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करा हुआ आपने अभी तक वो अनेकेडमी रहा हूं। मैं क्या कहते टेलीग्राम चैनल उसे जरूर ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को मैं इसी में सब कुछ कर रहा हूँ थोड़ा सा प्लीज वेट करो यार कमेंट लिखने में मुझे टाइम लग रहा जरा रुक जाओ प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल और मैथ है आपका फाइव थर्टी पी एम इलेवेंथ इलेवन यूट्यूब चैनल ठीक है और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम थोड़ा रुक जाओ यार आप भी लोगे क्या कर रहे पता नहीं इतनी देर से टेलीग्राम चैनल पांडे थर्टी फर्स्ट थोड़ा सा बस हाँ अब हो गया अब हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है फिजिक्स चैनल चैनल मैथ्स मैथ्समी और चलो मैंने इतना ही कर दिया है इसके अलावा मैं स्पेशल क्लास भी लेता हूँ ठीक है ना अन अकेडमी में थ्री ओ क्लाक पर इसके अलावा फिलहाल जितना है मैंने उतना ही डाल दिया ठीक है ना कमेंट पिन कर दिया ठीक है देख लेना ठीक है ना अरे पिन करा मैंने रिमूव कर दिया पता नहीं चल रहा किया तो मैंने पिन था वो दिख क्यों नहीं रहा मुझे हाँ दिख गया हुआ। ये है ठीक है टाइमिंग फिजिक्स की एट फोर्टी फाइव पी एम पे है प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में मैथ्स की फाइव थर्टी पी एम पे अन अकेडमी इलेवन ट्वेल्थ यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है इसे इसे ज्वाइन कर लो ताकि आप मेरे से पूछ सको कुछ भी जो बातें होती हैं ठीक है सही रहता है आ, न्यूमेरिकल करा दीजिए गॉस लॉ के कूलम लॉ के लेक्चर इसलिए ठीक है मैं करा दूंगा न्यूमेरिकल आप लोगों तो ने बोल दिया चलो न्यूमेरिकल जो करना चाहते हैं ना वो बता देना मुझे लास्ट में वीडियो के कमेंट कर देना बाद में भी ठीक है ना फाइनली एक वीडियो में कमेंट कर देना तो हम न्यूमेरिकल रख लेंगे अदरवाइज ये चैप्टर का सभी कुछ हो गया चलो एक बार इधर ध्यान से समझते हैं ध्यान से सुनो प्लीज़ जल्दी मुझे बताओ ऑल वी आर रेडी जल्दी तैयार हो आज का टॉपिक पढ़ने के लिए क्योंकि दो छुटके छुटके से टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक है असल में जल्दी मुझे बताओ कितने लोग रेडी हैं इसके लिए जल्दी बताओ जल्दी मुझे बताओ कितने लोग रेडी हैं ताकि मैं आज का अपना लेक्चर शुरू कर सकूं जल्दी बताओ क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा आपको अगर कराने होंगे तो उसको प्रॉब्लम की बात नहीं है टू मंथ स्ट्रैटेजी में जरूर बता दूंगा लिंक सेंड कर दीजिए लिंक रितेश लिंक मतलब सेंड कर दूंगा मैं लिंक सेंड कर दूंगा मैं कम्युनिटी पोस्ट करूंगा ना रेगुलर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल मैं अपने एंड से यही कर सकता हूँ मैंने टॉप में जो चीजें लिखी हैं पिन कमेंट में आप उसे पढ़ लो जल्दी बताओ सब तैयार हूँ मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी गुड रितेश रवि जतिन प्रिया सुरेश हिमानी यादव शिल और प्रतिज्ञा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो इधर सुनो इधर देखो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कल हमने कैपेसिटर का पूरा का पूरा देख लिया था कि कैपेसिटर क्या होता है एक क्विकली रिवाइज में आपको अगर कराऊं तो कैपेसिटर में हमने ये पढ़ा था कि इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज हम डालते हैं तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है क्विक रिवीजन करा रहा हूं कल का पांच मिनट के अंदर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज जो लगता होगा वो उस पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही हम प्लेट को यहाँ अर्थ करते हैं तो तुरंत वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है गायब हो जाता है और ये जो आपके सामने बनी हुई चीज है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल है इसमें अगर क्यू चार्ज रखा है और इसका एरिया अगर ए है अगर इस प्लेट का एरिया ए है और ये दूसरी प्लेट है अगर तो हमने कल देखा था कि अगर ये डी डिस्टेंस पर अपार्टेड है तो उस समय इनके बीच में जो आपकी कैपेसिटी आती है उसका फॉर्मूला होता है के ए एप्स नॉट डिवाइडेड बाई डी अगर के कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है छोटी सी हमने बात देखी थी लॉजिक वगैरह हमने कल सब कुछ समझे थे हमें समझ में आ रखा है कि, कि किसी भी कैपेसिटर का किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस व्हाट इज इट सी इज कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड करता है इट नाइदर डिपेंड ऑन क्यू नॉर डिपेंड ऑन वी ध्यान रखना ऐसा नहीं कि आपके एग्जामिनेशन में आया कि भाई चार्ज मैंने टू टाइम्स किया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, आप गया टू टाइम्स हुआ गलती हो गई जैसे ही आप चार्ज टू टाइम्स करते हो उसी समय वोल्टेज भी टू टाइम्स आपका बढ़ जाता है पोटेंशियल तो आपका नेट रिजल्ट क्या आ जाता है वही आ जाता है जो था कहने का मतलब है कैपेसिटेंस इन फैक्टर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता किस पे करता है इन पर करता है इसको देखो आप के तो ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट है डाय एलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाँ सही है अलग अलग मटेरियल का सही है मान लिया आपसे किसी ने कह दिया एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से मुझे मान लिया किसी ने कह दिया कि एक पैरेलल प्लेट है इसके बीच का डिस्टेंस डी है और इसका एरिया ए है यहाँ पर एयर फिल है और ये दूसरा एक डायलेक्ट्रिक है इसके एरिया ए है वही एरिया है जो उसका है एरिया ए ही है और डिस्टेंस डी ही है लेकिन यहाँ पर किसी ने वाटर डाल दिया जल्दी से मुझे बताओ किस केस में ये सब ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है पॉजिटिव है निगेटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी निगेटिव है कहने का मतलब है कि इसमें प्लस क्यू चार्ज है इसमें भी उतना ही है इसमें माइनस क्यू है तो इसमें भी माइनस क्यू है जल्दी मुझे बताओ फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का किस केस में कैपेसिटेंस कंडेंसर का ज्यादा होगा जल्दी बताओ कैपेसिटर का या कंडेंसर का किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कौन बताएगा जल्दी बताओ ये कल की पढ़ाई हुई चीज है मैं क्विक रिविजन करते हुए चल रहा हूँ देख तो लू आखिर कल वाले लोगों को कुछ पता भी है कि कल भूल के आ गए सब कुछ जल्दी बताओ जवाब आने में कितना देर लगेगी एयर वाले का ज्यादा होगा वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहबस काजल कुमारी बहुत बढ़िया एयर का होगा ना अपूर्वी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब चेक हो गया हर्ष गुड सब चेक कर दिया मैंने ज्योति गुप्ता बहुत अच्छा निशा वेरी गुड विवेक कुमार बहुत अच्छा सुनना भी क्या बोलूंगा तनिष्क वेरी गुड अपूर्वी सुनना भी क्या बोलूंगा कमलेश कुमार अखिलेंद्र गुट गुड 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 वॉटर में वॉटर में हाँ गुट ठीक है वह हो गया बोल गए गलत सबके सब इतने से में क्वेश्चन में मैंने सोचा था कि यार आ गया सबको यार आपके सामने सब कुछ फॉर्मुला लिखा हुआ ध्यान से देखो अपूर्वी और बाकी लोग सबके सब ध्यान से देखो और एक और वो काजल काजल ध्यान से देखो काजल ये शायद, है? तो ध्यान से देखो अरे सी क्या है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के के मतलब क्या कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम जो भी मीडियम पर डायलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर डाला हुआ है अगर कुछ नहीं डाला मतलब क्या एयर थी और एयर का मतलब क्या हुआ कि इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू वन होता है वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू एट्टी वन के करीब होता है जिसका के ज्यादा उसका सी ज्यादा नहीं होगा क्या वाटर का कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं होगा क्या क्या बात कर रहे हो यार ठीक है ना तो ध्यान रखना ठीक है ना तो सेकंड वाला राइट right आंसर है जो जिन्होंने गलत बोला हो प्लीज ध्यान रखें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है चलो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली कौन सॉल्व कर सकता है मुझे जल्दी से बताओ अगर इस प्लेट का एरिया टू मीटर स्क्वायर है अगर इस प्लेट का एरिया टू मीटर स्क्वायर है और इस प्लेट का एरिया है आपका फोर मीटर स्क्वायर इस प्लेट का एरिया फोर मीटर स्क्वायर अगर इसमें चार्ज की जो वैल्यू है इफ इट इज इक्वल टू प्लस का लेट से लेट से लेट से लेट से फोर कूलम अगर फोर कूलम चार्ज इस पे है कितना कूलम? फोर कूलम चार्ज इसपे है और इसपे जो चार्ज की वैल्यू है वो एट कूलम है बाई चांस अगर ऐसा है मेरी बात समझ में आ रही है न्युं 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 ठीक हाँ है अगर ऐसा है तो मुझे एक बार बताओ इनके बीच का अगर डिस्टेंस मैंने ले लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर टू मीटर है जल्दी से मुझे बताओ अगर इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो बीच में है वो वन है तो मुझे जल्दी से एक बात बताओ कि ये दो प्लेट्स जो रखी हुई हैं इन दो प्लेट का ना सी कितना होगा जल्दी बताओ सी कितना होगा जल्दी बताओ सी कितना होगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ और एक बात बोल देता हूँ आपको पर ना बुरा मान जाओगे फोर है तो लो इसे फोर ही रख लेते हैं फोर कुल ही रख लेते हैं निगेटिव जल्दी से बताओ इसका सी कितना होगा जल्दी से बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इट्स ओके तनिष्क लेकिन अभी इसका जवाब कौन देगा कोई है जो दे सकता है इस चीज का जवाब जो मैंने पूछा हुआ नॉट पॉसिबल ईशा ने कहा नॉट पॉसिबल वाह वाह ईशा बहुत अच्छा पवन पाठक ये यहां कैसे पहुंच गए ये तो यहां थे अभी तक कहीं और ही पहुंच गए आ? जल्दी बताओ यार आंसर क्यों नहीं दे रहे हो ब्रेन लियो ने टू का मतलब भूल गए क्या सब कुछ चलो कैलकुलेट कर रहोगे ना कैलकुलेट कर रहोगे चलो कोई बात नहीं देखो मेरा मेन मकसद क्या है इसमें कैलकुलेशन मेन मकसद नहीं है कैलकुलेशन इसमें मेन मकसद नहीं है जल्दी सुनो क्या है इसमें मेन चीज मेन चीज सिर्फ इतनी है हाँ ज्योति बस यही 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 दक्ष इसका क्वेश्चन था कि सी फाइंड करना था मगर अगर एक प्लेट ये है दूसरी प्लेट ये है इसका एरिया टू मीटर स्क्वायर है इसका फोर मीटर स्क्वायर है बेसिकली और इसमें अगर इतना चार्ज है उसमें भी अगर उतना ही चार्ज है तो मैंने आपको ही बोला था नहीं आ रहा सेवनटीन पॉइंट सेवन समथिंग चलो न्यूमेरिकली मुझे मतलब नहीं था सॉल्व करने का न्यूमेरिकली मैं भी नहीं कराऊंगा आपको सॉल्व न्यूमेरिकली मतलब नहीं था ज्योति जैसे कि एक क्वेश्चन में फंसी की कौन सी प्लेट लगेगी या ये सब कुछ ठीक है ना ठीक है देखो इधर चलो इधर देखो तो आपको एक बात जो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स वो है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कल भी मैंने ये बात कही थी और वो क्वेश्चन ही पूछा मैंने आंसर देना भूल गया क्योंकि आप लोगों ने मुझे बातों में लगा दिया तो जब भी अगर मान लिया बड़ी प्लेट सामने रख ली जाए ना तो आप जनरल नॉलेज से एक बात सोचो कि अगर इसमें मान लिया वन टू थ्री फोर टाइप के चार्जेस रखे हुए तो क्या होगा ये वाली प्लेट अपने सामने यहां तक के रीजन को और अपने सामने यहां तक के रीजन को अफेक्ट करेगी उसको कोई मतलब नहीं कि आगे प्लेट कितनी है और ऊपर कितनी नीचे कितनी है वो सिर्फ उतने ही रीजन को अफेक्ट कर पाएगी जो उसके काम का होगा यानी कि जो उसके होगा बेसिकली लाइक दिस वाला रीजन ये बात समझ में आ रही है यानी कि कहने का मतलब है जब भी ऐसी कंडीशन आती है आपको एरिया वो लेना होता है जो कि क्या होता है जो कि छोटा एरिया होता है क्योंकि छोटे एरिया से रिलेटेड ही इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कॉन्स्टेंट होगा ठीक है ना तो आपको कौन सा वाला लेना है उस समय एरिया हमेशा स्मॉलर वाला जरूरी नहीं है कि तू हो, हो सकता है कि कभी बड़ी प्लेट आगे रख दी जाए कभी बड़ी प्लेट आगे रख दी जाए छोटी प्लेट यहाँ आगे रख दी जाए तो किसका लोगे तभी भी छोटी प्लेट का क्योंकि जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाग गया यहां को इसका यहां को भाग गया जो मेन इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कौन सा होगा जो इसकी इसके एरिया के बराबर होगा जो इसके एरिया के बराबर होगा मेरी बात कोई समझ पा रहा है ये छोटी सी बात ये छोटी सी बात कोई समझ पाया कि आपके लिए जो इफेक्टिव एरिया हमेशा होगा वो कौन सा वाला लेना है हमें छोटा वाला स्मॉलर एरिया लेना है C इज इक्वल टू के एप्स एल नॉट ओवर डी वाले फॉर्मूले में बाकी चीजें तो आपको समझ में आई गई है समझ में आ रही है मेरी बात नहीं आ रही है ठीक है हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा देखो आप कह रहे हो चार्ज तो पूरी जगह होगा ना देखो चार्ज पूरी जगह होगा नो डाउट बिल्कुल आपने सही बात कही है चार्ज पूरी जगह ही होगा इसीलिए मैंने ना जानबूझकर इस चार्ज को भी उतना ही अमाउंट दिया जितना इसको दिया क्योंकि एक बात सोचो मेरी मेरी एक बात सोचो ईशा किसने पूछा ज्योति ने पूछा ईशा ने पूछा ईशा इधर देखो बेसिकली ना इस प्लेट में चार्ज आया कहां से पहले से नहीं था इंड्यूज हुआ होगा क्या हुआ होगा इंड्यूज हुआ होगा इसको ऐसे समझो कि अगर तभी तो मैंने उसे करेक्ट किया अगर फोर कुलम चार्ज इसके पास है तो इसने उतना ही ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस किया होगा ये ना ज्यादा करेगा ना कम करेगा सामने कौन थी जस्ट अ प्लेट एक प्लेट थी लेकिन उसने देखा कि सामने फोर कुलम चार्ज है तो उसने भी अपने पे इंड्यूस कर दिया ठीक है ना बस ये बात है ठीक है तो आपको जो इफेक्टिवली लेना है वो कौन सा वाला लेना है छोटी वाली प्लेट ये मेरा मकसद था बोलने का चलो इधर देखो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जब हम पढ़ रहे हैं तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है इधर देखो जरा ध्यान से एक बात मान लेते हैं वैसे तो ये सब बना बुनाया भी था लेकिन एक बार ना यहीं पर, पर बातें करते हैं जरा देखो मुझे ऐसे में ही समझ में अच्छा लगता है वो प्रिंटेड भी है पीछे पे वैसे लेकिन इसी से करते हैं देखो कैपेसिटर की ग्रुपिंग का मतलब होता है कि हम कैसे कैपेसिटर्स को अरेंज कर कर एक नेट कैपेसिटेंस निकाल दे यानी जो काम दस कैपेसिटर मिलकर कर रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि वो एक ही कैपेसिटर करे तो ऐसा हम क्या करें वही मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है जैसे धर देखो जैसे धर देखो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल जैसे होता ही है और ये यहां से ऐसे कनेक्टेड हो गया ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ से चलो मैं समझा रहा हूँ इधर देखो ये जो सिंबल है आपका ये किसका सिंबल होता है कैपेसिटर का सिंबल है ये किसका सिंबल है एक कैपेसिटर का सिंबल है कैपेसिटर या जिसे आप कंडेंसर कहते हो उसका सिंबल है जबकि आप जानते हो कि बड़ा और छोटा ये वाला सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को जिसमें ये वाला ज्यादा पोटेंशियल पे और ये वाला कम पोटेंशियल पे जो आपको दिख रहा होगा तो ये जो मेरी प्लेट्स बना रखी है मैंने ये बेसिकली कंड उसको रिप्रेजेंट कर रही है किसको क्या कहते हैं उसे पैरल प्लेट कैपेसिटर को या नॉर्मली कैपेसिटर को ये चीजें रिप्रेजेंट कर रही है ये जो आपको प्लेट की फॉर्म में आपको दिख रहा है अब छोटी सी बात है कोई मुश्किल नहीं है इतनी छोटी सी बात है कि क्या मैं आपको बताऊँ देखो जरूर बता ही देता हूँ फिर देखो माइडिया स्टूडेंट्स क्या होता होगा जब पॉजिटिव प्लेट सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे और नेगेटिव टर्मिनल यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव वाला हाईर पोटेंशियल पे और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे इसको हम ऐसे समझते हैं कि नेगेटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और घूमकर आएंगे और यहां पर आकर वापस वो क्या हो जाएंगे आएंगे और फिर ऐसे चलते रहेंगे ये आपकी बैटरी या सेल टाइप की चीज है बेसिकली अंदर सेल के कोई फिनोमिना हो रहा होगा केमिकल फिनोमिनन और उस केमिकल फिनोमिन से ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे और ये बाहर भाग रहे होंगे और घूम के वापस यहाँ अंदर आ जा रहे होंगे आपके सेल के अंदर इतनी सी बात हो रही है तो हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है सेल के हमें बाहरी से देखना है अब देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ठीक है लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन जो होता है यानी कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है कह सकते हैं कि इस तरफ से कोई प्लस टू टाइप का चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को जनरली दिखाया नहीं जाता वो एक समझाने वाली बात थी वो मैंने हटा दिया उसे यानी कि हम समझ गए कि यहाँ पर इस टर्मिनल में अगर हम इस टर्मिनल में देखें तो हमारे पास अगर मैं कहता हूं कि इसका पोटेंशियल V है और ये जीरो पोटेंशियल पे है तो हम कह सकते हैं कि इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस यानी V का पोटेंशियल डिफरेंस है मेरी बात समझ में आ रही है हाँ नमस्ते यानी कि इस पर V का पोटेंशियल है और इस पर जो पोटेंशियल है इस टर्मिनल में वो जीरो पोटेंशियल यहां पर है जीरो वोल्ट का और वहां पर प्लस वी वोल्ट का पोटेंशियल है तभी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का ऊपर है वी का ऊपर है देखो हुआ क्या होगा हुआ ये कि प्लस टू चार्ज गया और प्लस टू चार्ज इस प्लेट पर एक्यूमिलेट होने लग गया प्लस टू चार्ज इस प्लेट पर एक्यूमिलेट हो गया दोनों तरफ से मतलब पूरी प्लेट पे एक्यूमिलेशन हो गया प्लस प्लस चार्ज का ठीक है मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था क्या बड़ा बनाना था देखो इधर इधर देखो इधर जब बना बनाया ला रखा आपके लिए एक बार देखते हैं पहले ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा इसको मैं थोड़ा देख लूँगा ये ब्लैक में दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये बना बनाया इतना अच्छा खासा लग रहा है इसी पे काम करते हैं ना थोड़ा सा पहले मुझे एक बार देखने दो तो ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये दिख रहा है ना यस दिख रहा है पे लाइव लाइव दिखा रहा है अरे हम तो सब जगह हैं चलो देखो, देखो। से ना आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल प्लस टर्मिनल से आपका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आया होगा और वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आपका हो गया इस प्लेट के ऊपर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमलेट हो गया अब आप समझो हुआ क्या होगा ये जो सामने वाली प्लेट रखी हुई है इस प्लस टर्मिनल के जो सामने प्लेट रखी हुई है इंडक्शन के फिनोमिन से उस उसपे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बोलो होगा कि नहीं होगा यार सच में यार सच में यार सॉ मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार 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 डिस्टर्ब कर रहा हूँ बेसिकली ना उस वाले डायग्राम में ना मजा सा नहीं आ रहा है यार प्लीज ठीक है माफ करना मुझे इस बात के लिए मैं बार बार परेशान कर रहा हूँ आपको इधर उधर लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आपको समझ में आए इसीलिए मैं दो ही प्लेट लेता हूँ चलो ज्यादा नहीं तीन ले लूँ प्लीज तीन ले लेता हूँ ठीक है बस अब नहीं करूंगा परेशान बस क्योंकि ना वो फिगर में ना मजा सा नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि चीज छोटी सी है अब वही समझ में मान लिया मैंने भटका दिया आपको तो गलत नहीं हो जाएगा देखो चलो पॉजिटिव हो गई ये प्लेट चारों तरफ से पॉजिटिव प्लेट का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कहां से इस टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल के इसमें अक्यूमिनेट हो रहा है उसी इंस्टेंट पर एक काम हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज यहां पर आ रहा है और मुझे बताओ किस फिनिना से आ रहा है यस एग्जैक्टली इंडक्शन से क्योंकि वो देख रही है प्लेट सामने की पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट का सारा नेगेटिव जो चार्ज है वो इस तरफ आ जा रहा है और बाकी जो पॉजिटिव बचा हुआ है वो उस टर्मिनल में चले जा रहा है यानी कि यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कल हमने डिस्कस किया था प्लेट को समझना ऐसी प्लेट है ऐसी ये ऐसी एक हिस्सा आपकी तरफ एक हिस्सा ये भी है दिख नहीं रहा होगा आपको तो ये वाला हिस्सा अगर नेगेटिव हुआ है सामने वाली प्लेट को देख के तो पीछे वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया इस एंड से इस एंड से यानी मेरी तरफ से ये चीज पॉजिटिव है और आपकी तरफ से ये चीज नेगेटिव है ऐसी वाली बात हो रही है तो ये पॉजिटिव जो यहां पर था आप देखोगे कि ये पॉजिटिव ये बीच में इनके बीच में ए, वायर टाइप का या एक कोई कंडक्टर रखा हुआ है और आप जानते हो कि जब यहाँ बीच में कंडक्टर रखा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाकर इस पूरे कंडक्टर को पॉजिटिव कर देगा और जल्दी से मुझे बताओ किस फिनोमिनन के कारण किस फिनोमिना के कारण समझो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ पहले मुझे वो बताओ कौन सा फिनोमिना एक्ट किया यहां पर कि ये पॉजिटिव से सामने वाली प्लेट नेगेटिव हो गई किस फिन के कारण ऐसा हुआ किस बताओ मुझे जल्दी से ये पॉजिटिव प्लेट को देखकर ये नेगेटिव हो गई क्यों कारण बताओ पॉजिटिव को देखकर नेगेटिव हो गई क्यों अच्छा बता दिया मैंने क्या पूछा यार हमारे रिस्पॉन्स आने में वंकार अभी नहीं बताया। अब मुझे एक बात और बता दो प्लीज मान जाऊंगा मुझे बताओ कि ये सामने पॉजिटिव थे ये सामने पॉजिटिव थे तो ये प्लेट पॉजिटिव हुई उसका रीजन क्या ये प्लेट पॉजिटिव हुई है येलो कलर के चार्जेस जो आपको दिख रहे हैं ये पॉजिटिव हुई इसका रीजन क्या कौन मुझे बताएगा जल्दी बताओ गुड कंचन सोनम प्रिया वेरी गुड काजल गुड जतिन आप कौन से रहे हो ठीक है इसका बताओ जो मैंने पूछ लिया आपसे ये येलो वाली प्लेट अगर पॉजिटिव हुई है इसका रीजन क्या है जल्दी मुझे बताओ गुड यार ब्राइन लियो ने बहुत जल्दी सबसे पहले बताया इसका रीजन है कंडक्शन बहुत अच्छा बहुत अच्छा यही मैं आपको मेन चीज बोलना चाहता था इस पूरे फिगर में और कुछ काम का नहीं है इतना सही है काम का बस आप समझो क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में और आप लोगों को याद होगा जब कोई कांटेक्ट के कारण चार्ज शेयर होता है तो हम कहते हैं कंडक्टर है वो कंडक्शन का फिनोमिना है और कंडक्शन की खासियत आपको पता होगी खासियत क्या होती है कंडक्शन की कि चार्ज जो रहता है वही आता है जैसे जैसे ना आपको रिवाइज कराता हूं, जैसे अगर मान लिया ये एक, है कोई, और लिया ये एक ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के वो इसको नलीफाई कर देंगे नलीफाई कर देंगे नलीफाई कर देंगे अगर उसको नलीफाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव का वहां पर चार्ज हट जाएगा गायब हो जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो हमें क्या ऐसा नहीं हुआ असल में इसने तीन इलेक्ट्रॉन उसे दिए वन टू थ्री इसने तीन इलेक्ट्रॉन उसे दिए इसके कारण ये पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव तो आप क्या समझे ये कौन सा फिनोमिना था जिसमें आपने टच किया यानी कॉन्टेक्ट में लाए इसको कहते हैं कंडक्शन इंडक्शन क्या होता था इंडक्शन में कुछ नहीं होता इंडक्शन में एक सिंपल सा काम होता है एक रॉड टाइप की आप लाए आपने कंडक्टर के नजदीक रख दी जैसी कंडक्टर के नजदीक रखी नेगेटिव चार्ज सारे यहाँ आ गए पॉजिटिव चार्ज सारे इस टर्मिनल में आ गए आपने तुरंत इसको अर्थिंड कर दिया जैसे ही आपने इसे अर्थिंड किया ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो गए जमीन में चले गए

इसमें आप कॉन्टेक्ट में लाए थे कॉन्टेक्ट कराया था आपने इनका इंडक्शन में क्या होता है जो चार्ज लाया जाता है सामने उसको ऑपोजिट ऑपोजिट चार्ज चार्ज उसमें आ जाता है. चार्ज उसमें आ आ जाता जाता है है ठीक है इंड्यूस होता है बेसिकली इंड्यूस होता है है उसी में से निकलता है. लेकिन इस वाले में आप देख रहे हो कि जो चार्ज उसका था वही चार्ज सामने आता है आप वही चीज देखो यहां पे क्या हुआ इंडक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने उसके नेगेटिव चार्ज को अपने सामने कर दिया बस इतना सा काम हुआ इंडक्शन विदाउट एनी टच बीच में देखो कुछ भी नहीं है टच करने के लिए यहां पर आप देखोगे ये जो पॉजिटिव हिस्सा था इसने इसको पॉजिटिव कर दिया क्यों इंडक्शन के कारण इंडक्शन के कारण और आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां रहा नहीं अब मानते उस बात के नहीं मानते वो पॉजिटिव चार्ज वहां भाग गया जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां भाग गया था भागा पॉजिटिव नहीं है इलेक्ट्रॉन ने उसको देकर अपने को पॉजिटिव कर दिया यहां से ये पॉजिटिव हुआ नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए ताकि वो क्या हो जाए ताकि वो नलीफाई हो जाए ठीक है ना सेम होगा ये सामने पॉजिटिव को देख के ये वाली प्लेट ललचा जाएगी और ये प्लेट क्या करेगी अपने पे पे नेगेटिव नेगेटिव इंड्यूस इंड्यूस कर कर देगी ये कर देगी ये प्लेट अपने और जैसे ही इस पे नेगेटिव इंड्यूस होंगे ये क्या हुआ इंडक्शन इंडक्शन विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बीच में कुछ नहीं है तुरंत इसके ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जैसे ही पॉजिटिव आएगा उस सामने वायर से होता हुआ वायर से होता हुआ वो इसको पॉजिटिव कर देगा और आपको पता चल गया वो पॉजिटिव कर कैसे रहा है वो पॉजिटिव कर कैसे रहा है और जब उसने उसे पॉजिटिव किया इस इस बीच में जब उसे पॉजिटिव कर रहा था इसके खुद के चार्ज उड़ गए यार ये बात तो समझ में आ रही होगी पता नहीं ये बात किसी को समझ में आ रही कि नहीं देखो मैं हल्के में चल भी सकता हूँ यहाँ से लेकिन फिर मतलब बीच बीच में जहां जहां हमें सेंसेस मिल रहे हैं हमें लेने चाहिए ना पॉजिटिव था इसको देख के नेगेटिव हो गया इंडक्शन से लेकिन तुरंत इसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा वो पॉजिटिव चार्ज को उड़ाने का काम यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं

इतनी सी बात होती है ठीक है इतनी सी बात होती है कि क्योंकि ना यार देखो आपके उसमें अब आप क्या होता ना है केस के ना है, केस वाले क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फिगर रख दिया ऊपर पे आपसे आपसे पूछ लिया बता दो ए बी के बीच में, C, के में हो हो क्या हो रहा है सी डी के बीच में क्या हो रहा है इंडक्शन हो रहा है कंडक्शन हो रहा है क्या हो रहा है तो आप बता सकते हो ना आराम से ये जहां पर नॉन कॉन्टेक्ट है वहां पर इंडक्शन जहां पर कॉन्टेक्ट है ये वाला यहाँ पर कंडक्शन एक बात मैं बोल रहा हूँ ये कोई अपना टॉपिक नहीं है खास लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है अभी तो हमें ग्रुपिंग देखनी है और सभी को समझ में आ गया ग्रुप गुड गुड ठीक है अभी देखो अभी देखो ये एक छोटी सी बात थी अभी देखना है जरा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे रास्ते में बहुत बहुत तगड़े तगड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे और उन्हें लपेट लेना तुरंत से मैं फेंकने वाला हूँ कैच करने के लिए तैयार हो सुब ठीक है इंडक्शन है कंडक्शन है और ये है ये है ये है ये है मैंने काम की चीजें सारी हटा दी आपको पता चल गया कि कौन कैसे 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 करके चार्ज हो जाता है ये बहुत ठीक है अब सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो ये जो चार्ज इस पे है लेट अस से दिस चार्ज इज प्लस क्यू है ना हुँ? और दिस चार्ज इज आल्सो प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज आल्सो प्लस इसको आप विजुअलाइज करो कि वाई प्लस क्यू क्यों ये क्यों ही है कितने लोग समझ पाएंगे सब में तीनों प्लेट में चार्ज सेम है ये बात मानने वाली है आप वो जो मैंने आप चीज समझाई थी वो यहां पर वर्क करेगी क्योंकि ना देखो मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि कुछ कुछ होते हैं स्टूडेंट ज्यादा नहीं होते कुछ ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि y प्लस क्यू मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ पहले समझाने के लिए हल्का सा सेटिस्फाई करने के लिए ये समझ लो क्यों मतलब मैंने कल क्या कहा था हमारी कहानी में क्यों मतलब क्या था वाटर था चार्ज को वाटर बोल बोले थे ये वैसी वाली घटना है कि यहाँ से पानी आया 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 ये कैनाल केनाल है ये कुछ नहरें हैं नहरें हैं मुझे बताओ जितना पानी इससे होकर जाएगा यहाँ से होकर जाएगा जितना पानी वही तो पानी सब जगह से होकर जा रहा है पानी की वैल्यू तो सेम है ना सब जगह ये कुछ पानी यहाँ ठहरेगा नहीं रुकेगा नहीं बस पानी को निकलना है इसके बीच में से इसके तो जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा बस यही बात है वो ही चार्ज है ठीक है चार्ज सब केसेस में क्या रहेगा सेम रहेगा मेरे कहने का मतलब है दस लीटर पानी आ रहा है तो दस ही लीटर निकल रहा है सबसे अगर दस लीटर पर सेकेंड पर मिनट की स्पीड से आ रहा है तो हर में दस लीटर पर मिनट की स्पीड से निकल रहा होगा एक बात यह अदरवाइज आपको जो मैंने तरीका बताया था उससे समझो आप अपने वाले तरीके से क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पर आया था उसने उतना ही इस पर इंड्यूस किया होगा अपोजिटली और जितना इंड्यूस हुआ, हुआ होगा वही यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल में आया होगा उसने उतना ही कंडक्शन में दिया होगा तो बेसिकली सेम चार्ज है है सब जगह मेरी बात समझ में आ रही ठीक है। ठीक है। है। बाकी एक बात है कि इस टर्मिनल में जो पोटेंशियल होगा जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये प्लस वी पोटेंशियल पे और ये जीरो पोटेंशियल पे यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो वी और जीरो का यानी वी का डिफरेंस है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट वी के उसमें होगा ए पॉइंट प्लस के पोटेंशियल में और बी पॉइंट आपका जीरो पोटेंशियल पे मेरे कहने का मतलब है या दूसरे शब्दों में ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है वी का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी कुछ डिफरेंस होगा इसके बीच में भी कुछ डिफरेंस होगा उसके बीच में भी कुछ डिफरेंस होगा मैं लेट से मान रहा हूँ कि इनके बीच में वी का पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में लेट से वी का पोटेंशियल डिफरेंस है और इनके बीच में लेट से वी का पोटेंशियल डिफरेंस है तब जाकर ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड होंगे तो ये v और जीरो का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे मैं कहना चाह रहा हूं कि जो v1 v2 और v3 नाम के तीन पोटेंशियल डिफरेंस है जब ये तीनों मिलेंगे तो वो फर्स्ट और लास्ट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे यानी v देंगे इतनी बात किसको समझ में आ रही है जल्दी बता दो खत्म हो गया सब कुछ जल्दी बताओ मैग्नीट्यूड सेम होगा ठीक है ना मैग्नीट्यूड सेम होगा गुड गुड ठीक है ना इतनी सी बात है ये चीज सब एग्री कर हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ये कैपेसिटर अगर है तो इसकी कुछ अपनी कैपेसिटेंस होगी अगर ये कैपेसिटर है तो इसकी कुछ अपनी क्या होगी चार्ज को रखने की कुछ क्षमता होगी जरूरी तो नहीं है कि जो इसकी हो वो उसकी होगी और उसकी होगी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो चीज को थोड़ा जनरल करने के लिए चीज को थोड़ा जनरल करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है चीज को जनरल करने के लिए मैंने क्या कह दिया इसकी कैपेसिटेंस C1 है इसकी कैपेसिटेंस C2 है उसकी कैपेसिटेंस C3 है मैंने अलग अलग कह दिया हो भी सकती है इक्वल नहीं भी हो सकती है इक्वल हो सकता है ये कम कैपेसिटर कम उसका कैपेसिटी का कैपेसिटर हो ये ज्यादा का हो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हम एक काम कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आ गया सी है क्यू है वी है तो आप देखोगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी जब मैं पहले वाले पर लगाऊंगा तो आपको एक चीज नजर आएगी कि C तो इसका C1 हो गया Q इसका Q हो गया और V इसका V1 हो गया सिमिलरली सेकेंड वाले में सी टू इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी टू हो गया और सिमिलरली थर्ड वाले में सी थ्री टू क्यू हमेशा दो अलग होंगे और एक सेम होगा ये होगा ही होगा और होना पड़ेगा इसे ऐसा क्यों होना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं सी वन इज इक्वल टू क्यू ओवर वी वन को थोड़ी देर के लिए ले, ले लेता हूँ तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप लोग जानते हो कि Q और V का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है जो कि C के इक्वल होता है मतलब मैं एक छोटी सी बात जो आपको कह रहा हूं जो आपको नोट में रखनी है हमेशा C Q V में दो हमेशा एक अल, मतलब दो हमेशा कैसे होंगे डिफरेंट होंगे और एक चीज हमेशा कांस्टेंट होगी जैसे इस केस में Q Q Q सब में कॉन्स्टेंट है और बाकी दो बदल रहे हैं अपने आप को ठीक है तो आप इसे इक्वेशन नंबर ए बी सी मानकर क्या कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा कर सकते हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बोल सकते हो क्योंकि हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है तो हम आसानी से यहाँ वी वन की वैल्यू निकाल रहे हैं वी वन कितना निकल गया ऊपर से देखो क्यू डिवाइडेड बाई सी वन वी टू कितना निकल गया क्यू डिवाइडेड बाई सी टू और वी थ्री कितना निकल गया क्यू डिवाइडेड बाई सी थ्री ठीक है ये तीन चीज़ें आपकी निकल गई इन तीनों को आप वन बाय वन अगर इस इक्वेशन में डाल दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और उसको मैं फटाफट से यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मुझे ना असल में इसमें डिस्कशन करना है भी ठीक है इस पर केस डिस्कशन करना है v1 की वैल्यू में डाल रहा हूँ कितनी q बाई सी वन वी टू की वैल्यू में डाल रहा हूँ q बाई सी टू वी थ्री की वैल्यू में डाल रहा हूँ q बाई सी थ्री इज इक्वल टू हो गया v ठीक है कैन आई से कि q कॉमन आ गया वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री ये मैंने डाल दिया मेरे सामने जो रिजल्ट बचा वो बचा v के साथ ठीक है ये चीज़ मेरे पास बची इसे ध्यान से देख लो मैं बाकी चीज़ें इरेज कर दूंगा फिर है ना ठीक है वो जो दिख रहा होगा आपको उसको देख लो एक बार ध्यान से क्यू इज इक्वल टू इतना आया अब एक बात समझो मान लिया मैंने इतने ही पोटेंशियल की बैटरी मतलब जो सेल था वो ही लिया सेम पोटेंशियल का लिया मैंने V का और मैंने क्या किया ये तीन हटा के तीन कैपेसिटर हटा के मैं मान लिया एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं तीन हटा के मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ और उसकी कैपेसिटी को मैं लेट से सी इक्यूवेलेंट कह रहा हूँ बाई चांस कह रहा हूं ऐसा तो क्योंकि बैटरी सेम है या सेल सेम है इसलिए चार्ज तो सेम आएगा प्लस क्यू का अगर प्लस क्यू उसने दिया था तो अभी भी वो प्लस क्यू का ही देगा यानी अभी भी प्लस क्यू का ही चार्ज यहाँ मौजूद है अगर आप सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी वाला फॉर्मुला लगाओगे तो इस बार फॉर्मूला बोलेगा C equivalent is equal to Q divided by v. ये बात किसी को समझ में आई जो मैंने यहाँ पर अभी करी नीचे पर मैं कहना चाह रहा हूँ एक सिंगल कैपेसिटर लगा रहे हो उसकी कैपेसिटेंस को आप C इक्वेलेंट बोल दे रहे हो क्योंकि वो तो कुछ डिफरेंट होगी ना ना तो सी वन के इक्वल होगी ना तो सी टू के ना तो सी थ्री कुछ एक अनइक्वल टाइप की चीज होगी लेट से मैंने उसे ये नाम दे दिया चार्ज मैंने क्यू सेम रखा क्योंकि बैटरी सेम है मतलब जो वो वो सेम सेम है 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 तो अमाउंट का चार्ज अभी भी है. दक्ष इक्वल टू क्यू बाई वी प्रूव नहीं करना था कल वो वो सिंपली q इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू v और q इज इक्वल टू सी वी वो मैंने कल समझाया था वो तो लॉजिकल चीज है ना प्रूव करने वाली मैथमेटिकली कोई चीज थोड़ी ना है वो ठीक है नहीं नहीं जतिन नहीं 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 जतिन बोले होगा नहीं नहीं होगा इक्वल नहीं होगा क्योंकि ना वो देखो उसको अब फिर मैं कह रहा हूँ वाटर टैंक मॉडल कल था हमारे पास उससे कंपेयर कर लो ना सारी बात है आप समझो ही मत की कैपेसिटर है आप समझो ये तीन टैंक है क्या सोचो तीन टैंक है इसे सोचो ये मोटर है वो, वो, जमीन से पानी आ रहा है समझ लो जमीन से पानी आया पानी आया पानी अब हो सकता है तीनों की तीनों टैंक इक्वल इक्वल हो मतलब इक्वल कैपेसिटी को सब कुछ उनमें इक्वल हो एक एग्जाम्पल के लिए सोचो मान लेते हैं मान लेते हैं ऐसा कि तीनों टैंक एक जैसे मान लेते हैं मुझे बताओ पानी सब जैसा एक बार बाई चांस आप कह, कह रहे हो तीनों V है अब चार्ज तो सबके लिए क्यों कॉमन है तब मुझे बताओ C1 C2 C3 में क्या रिलेशन है क्योंकि चार्ज है। तो सब में क्यों ही जाएगा चार्ज तो सब में क्यों ही जाएगा अब आपसे मेरा कि अगर ये v1 v2 v3 बराबर हो गए यानी कि सभी के सभी के लेवल बराबर हो गए लेवल समझ लो पानी का मुझे बताओ c के साथ क्या होगा c1 c2 c3 के साथ क्या रिलेशन आएगा ये बताओ मैं केस मान रहा हूँ कि इफ v1 v2 v3 आर इक्वल देन व्हाट विल हैपन विद c1 c2 एंड c3 ओके तनिष ओके जल्दी बताओ यार मैं क्या पूछ रहा हूँ एट पॉइंट एट फाइव पैर क्या है बस श्याम ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि केमिस्ट्री कैपेसिटी के, केप, भी इक्वल हो जाएगी उसी समय कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी है ना क्योंकि ये बताऊंगे कहने की कोशिश कर रहा है इसको बहुत सिंपल है देखो अभी अभी क्लियर हो जाएगा खुद ही सोचो जनरल नॉलेज से इसको ना ये एक टैंक है एक मिनट ये भी एक टैंक है ठीक है ये भी एक टैंक है एक एक जैसे टैंक है तीनों के तीनों यानी कि मैं कह सकता हूँ कि तीनों टैंक एक जैसे होने का मतलब ये हुआ कि जब यहां से मैंने मान लिया किसी तरीके से इसमें वाटर मैंने ऐड किया कि इसमें वाटर किसी तरीके से वाटर इसमें आए इसमें वाटर आएगा किसी तरीके से इस टैंक में इस टैंक को, को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है इसी टैंक को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है आप खुद ही सोचो जनरल नॉलेज से एक बार कि अगर मैं कह रहा हूं कि जितना लेवल इसका है जितना लेवल इसका है मान लिया इसका पानी का लेवल क्योंकि लेवल मतलब क्या पोटेंशियल मैंने कल कहा था अगर इसका लेवल वी है इसका भी वी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि जितने लेवल में पानी उसमें उतनी लेवल में पानी इसमें भी आ गया और उतनी लेवल में पानी इसमें भी आ गया तो ऑब्वियसली ये क्या कहने की बात हो रही है कि इनकी कैपेसिटी सेम है इसका मतलब समझ रहे हो मेरी बात को क्योंकि अगर पानी गिर रहा है और जितना लेवल उसका उतना ही लेवल उसका हो रहा है उतना ही लेवल इसका हो रहा है तो क्या मतलब हो गया कि तीनों की तीनों एक जैसी कैपेसिटी के हैं अदरवाइज ऐसा नहीं होता खुद ही सोचो अगर मान लिया इसको हम ऐसे कहते हैं कि एक कैप एक इतना बड़ा कैपेसिटर है और एक ऐसा कैपेसिटर है ऐसा वाला ऐसा वाला आप मुझे बताओ जब आप पानी इनमें छोड़ोगे यहां से पानी छोड़ोगे तो इसमें पानी इतना इतने लेवल में ही रह पाएगा लेकिन इसमें पानी का लेवल ये हो जाएगा मेरी कोई बात समझ पा रहा है मेरी कोई बात समझ पा रहा है इतना पानी का जो अमाउंट है जब इससे कनेक्ट किया जाएगा ये यहाँ ऊपर तक भर जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या कि इसमें वी की वैल्यू और इसमें वी की वैल्यू डिफरेंट होगी ये कोई समझा ये कोई समझा लेवल देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते थे ना कि लेवल देखकर हमें अंदाजा लगा सकते कि दोनों सेम कैपेसिटी के एक छोटा सी बात मैं बोल रहा हूं एक स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मुझे बोलना पड़ा ठीक है ना ठीक है मुझे पता है ये बात आप समझ गए होंगे ठीक है क्योंकि इतना ही पानी जितना पानी है उतना ही पानी एग्जैक्टली exactly वही है लेकिन उसका लेवल बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ठीक है हुँ. तो बस हो गया तो अभी इस वाले केस में क्या चल रहा था काम इस केस में हम यहाँ तक पहुंच गए थे अगर आप उस चीज के क्यू को उठा के वी के नीचे डाल दो तो आप देखोगे कि वी के नीचे जब क्यू आ जाएगा इट विल बिकम वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री देखो मेरा मकसद है थोड़ा सा आप चीज को समझ लो ना क्योंकि डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं वो तो कैसे भी किया जा सकता है याद करके या कुछ भी करके आप खुद ही सोचो क्यू बाई वी अगर सी इक्विवेलेंट के इक्वल है तो वी बाय क्यू इक्वल होगा वन अपॉन सी इक्विवेलेंट के दिख रहा होगा ये इक्वल हो गया जो कि ये फॉर्मूला होता है यानी कि कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने तीन कैपेसिटर को इस तरीके से ऐड कर लिया तो आप यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हो ठीक है सर ये मैंने घर में किया जब वाह बहुत बढ़िया गुड दीप शिखा ठीक है तो इसका फॉर्मूला ये होता है यानी कि हमें समझ में आ गया जब भी कोई कैपेसिटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे सीरीज में कनेक्टेड होंगे अगर मान लेते हैं कि ये टू का है ये इसका कैपेसिटर टू है कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस लेट से थ्री है और इसका कैपेसिटेंस लेट से फोर है कुछ भी यूनिट दे देना दे माइक्रोफेरेड वगैरह कोई आपसे कह रहा है कि देखो जरा कोई आपसे कह रहा है कि मुझे तीन तीन कैपेसिटर नहीं चाहिए उसने बोला कि जो मेरा ये बैटरी है इसकी जो वी की वैल्यू है वो कुछ भी इसने दे दी कि लेट से 1.5 वोल्ट है कुछ भी उसने दे दी इसकी वैल्यू अब वो आपसे एक सिंपल सा काम पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे तीन तीन कैपेसिटर नहीं रखने मुझे एक ही कैपेसिटर रखना है तो मुझे अर इफेक्ट मुझे सारे यही चाहिए यानी ये तीनों मिलकर जितनी कैपेसिटी दे रहे हैं सिस्टम में चार्ज को स्टोर करने की मुझे उतनी कैपेसिटी चाहिए तो आप समझ गए कि इनका मानना है कि मुझे एक ऐसा कैपेसिटर दे दो जो कि उन तीनों के बराबर ही पावर रखता होगा यानी कि सी इक्विवेलेंट टाइप की चीज तो आप तुरंत बोलोगे क्योंकि सीरीज सीरीज में में और ऐड कैसे होता है ऐसे कर 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 अपॉन 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 सी इक्विवेलेंट कितना देगा इन्हें सॉल्व लो पहले इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर लो वन अपॉन टू प्लस वन पॉइंट फोर को फिर वन अपॉन थ्री को एड कर लेना बाकी आपका अपना अपना स्टाइल हो सकता है फोर वन जै फोर टू वन जै टू और फोर टू सिक्स हो गया सिक्स डिवाइडेड बाई एट प्लस वन बाई थ्री सिक्स थ्री जटी प्लस एट वन जै एट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर देखो लास्ट में ना जरा इसको रेसिप्रोकल चेंज करना मत भूलना ठीक है ना ऊपर ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी फोर आया इसलिए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स आपने कहा कि वो तीनों को हटाकर अगर आप इतने इतने यूनिट का अगर आप वो लगा दोगे कैपेसिटर तो आपके एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे जो आपको उन तीनों में चीजें मिल रही हैं वही चीजें यहाँ मिलेंगी यानी कि जितनी कैपेसिटी उन तीनों की थी उतनी कैपेसिटी इनकी रहेगी ये ऐसी वाली बात है ठीक है ना ठीक है अभी देखो ये ये सब कुछ था आपको समझ में आ गया ठीक है यही था वो जो कुछ था आपने देखा ठीक है ना ठीक है एक बार पैरेलल का एक बार देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर मैं एनर्जी पर डिस्कशन करूंगा पैरेलल की बात देखो जरा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा थोड़ा सा क्विकली देखते हैं जरा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मेन मेन बातें करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा इधर देखो अगर एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है दूसरा कैपेसिटर ऐसे है और तीसरा कैपेसिटर अगर ऐसे रख दिया जाए और कोई कह रहा है कि ये ऐसे कनेक्ट था ये ऐसे कनेक्ट था और ये ऐसे कनेक्ट था और यहां पर आकर तीनों के तीनों मिल जाते हैं इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर आकर तीनों लेट से मिल जाते हैं ठीक है ना हाँ ऐसे करकर कर, ऐसे करकर कर, और ऐसे कर कर ये गए और फाइनली हमने इस टर्मिनल को किसी एक इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको इसके नेगेटिव टर्मिनल से अगर हमने इसे कनेक्ट कर लिया और ये अगर प्लस वी वोल्ट है और ये अगर जीरो वोल्ट पे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का वीक है अब मुझे खुद एक बार बताओ अगर ये पॉइंट है और अगर ये पॉइंट बी है हुआ क्या होगा फिर से वही होगा प्लस का क्यू चार्ज यहाँ से निकला होगा जल्दी से मुझे बताओ इस वाले में इस वाले में इस वाले में अगर मैं लिख रहा हूं कि प्लस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है तो इज इट राइट और रॉन्ग मुझे इतना बता दो मैंने जो ये लिखा हुआ है इज इट राइट और रॉन्ग प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सही लिखा हुआ है मैंने यहाँ तीनों में प्लस क्यू चार्ज आया और इस प्लेट में भी प्लस क्यू इसमें भी प्लस क्यू इसमें भी प्लस क्यू है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है क्या है जल्दी बताओ जल्दी बताओ अब जब मैं देखता हूं तब तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हाँ रॉन्ग है बिल्कुल रॉन्ग है ये कुछ इसको सीधे रिलेट करो फिर से वैसे जैसे पानी आया पानी जैसी यहां पे आया उसको दिखा मुझे तीन रास्तों में बटने आप खुद ही सोचो अगर यहाँ से टेन लीटर का वाटर आ रहा है तो टेन लीटर इसमें भी चले जाए टेन लीटर इसमें भी चले जाए टेन लीटर इसमें भी चले जाए ऐसा जा, पॉसिबल तो नहीं है ना वो टेन लीटर को बटना पड़ेगा चाहे तो वो दो तीन पांच लीटर में बट के जाए या कैसे भी बटके जाए लेकिन वो बटेगा हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये अलग चार्ज होगा ये अलग चार्ज होगा और ये अलग चार्ज होगा और डेफिनेटली फ्यू से छोटे ही होंगे ये सबके सब हंड्रेड परसेंट और हमें ये भी नहीं पता कि इनमें बड़ा कौन है लेकिन इतना पता है कि सब अलग अलग टाइप के होंगे ठीक है ना सब अलग अलग टाइप के होंगे हो सकता है कोई दो इक्वल भी हो सकते हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है कोई दो इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर वो अलग अलग उसमें बढ़ गया जनरलिटी के लिए हमने उसको ऐसा कर दिया तो ऑब्वियसली ये भी क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री रहेगा लेकिन एक बात जो कॉमन है जैसा कि एक स्टूडेंट कह रहे हैं आई थिंक या किसी ने का वो बात क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है यानी कि जितना पोटेंशियल इसको मिला हुआ यानी कि प्लस वी पोटेंशियल इसको है और यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है आप देखोगे यही पोटेंशियल इसके इस टर्मिनल में लगा हुआ यानी ये भी प्लस के वी पोटेंशियल पे यानी ये वाला हिस्सा भी प्लस के वी पोटेंशियल पर वाला हिस्सा भी प्लस के वी पोटेंशियल पे प्लेट यानी कि पॉजिटिवली है ना ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव यानी हमें समझ में आ गया सबके वी इस बार सेम है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली वो सेम है क्यों क्योंकि ये वाली प्लेट किससे कनेक्टेड है जीरो से ये जीरो पे है ये वी पर है ये जीरो पर है ये वी पोटेंशियल पे है ये जीरो पर है ये वी पर है यानी हर प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी 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 का है समझ में आई नहीं आई बात हर प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है का पोटेंशियल डिफरेंस हर प्लेट के बीच में यानी इसके बीच में भी वी का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में भी और बीच वाले के बीच में भी वी का पोटेंशियल डिफरेंस है और हम जनरलिटी के लिए मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस अलग इसकी कैपेसिटेंस अलग इसकी कैपेसिटेंस अलग जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि कोई दो हमेशा अलग होंगी और कोई एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंट होगी आपको दिख गया होगा इस केस में जो वी है वो सब में कॉन्स्टेंट है वी सब में कॉन्स्टेंट है और एक बात आप आसानी से कह सकते हो कि जो आपने टोटल चार्ज यहाँ से भेजा है वो तीन हिस्सों में बटा एक तो Q1 में एक Q2 में और एक Q3 में यही तो बटा यानी हम कह सकते हैं कि जब ये तीनों चार्ज यहां आएंगे तो ये Q3 Q3 थ्री यहां आ रहा है ये Q2 टू यहां आ रहा है और ये Q2 वापस रिटर्न कर रहा है तो तीनों मिलकर वापस से आपको क्या दे देंगे Q वापस चार्ज वापस आपका पहुंच जाएगा चार्ज कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो कर जाएगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो तीनों चार्जेस बटे थे अगर हम उनका सम कर लें तो वो टोटल चार्ज के इक्वल होंगे जो जो सेल ने छोड़ा था यहां से यहां से जो प्लस टू चार्ज गया था उसी के इक्वल है वो तीनों चार्जेस क्योंकि वो उसी के स्प्लिट होकर उसी के हिस्से है वो ठीक है आपको अब छोटा सा एक काम करना है क्या अलग अलग कैपेसिटर को लेना है जैसे पहले वाले कैपेसिटर को अगर हम लेंगे और इस फॉर्मूले को जस्ट हमने यूज करना है जो हमेशा हम करते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी का पहले वाले में मैं करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा सी वन इज इक्वल टू क्यू वन लेकिन वी इसका वी है वो वी वन नहीं है वो कॉन्स्टेंट है सभी के लिए ऐसे ही मैं दूसरे वाले में लगाऊंगा सी टू इज इक्वल टू क्यू टू डिड बाई वी V इसका भी सेम है सेकंड वाले का क्योंकि वी सभी के सेम है क्यों क्योंकि सभी के सभी सेम पॉजिटिव टर्मिनल और सेम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसीलिए सभी का जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस वो सबका क्या है सेम क्योंकि सभी सेम पोटेंशियल के पॉजिटिव और सेम पोटेंशियल के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है ऐसे ही सी कितना हो जाएगा क्यू थ्री डिवाइडेड बाय वी आपको क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मिली हुई है वन वाली तो आप आसानी से बोल सकते हैं इस वाले से कि Q1 वन इज इक्वल टू कितना हो गया C1 वन इंटू वी यहाँ से बोल सकते हो Q2 टू इज इक्वल टू कितना हो गया C2 टू इंटू वी यहाँ से बोल सकते हो Q3 थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया C3 थ्री इंटू वी यानी कि अगर आप इन तीनों वैल्यूज को यहां प्लेस कर दोगे तो आप देखोगे क्यू इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी टाइप का आर है और आप सभी में से Q V को कॉमन निकाल सकते हो आप ऐसा बोल सकते हो C1 वन प्लस सी थ्री यानी कि आप फाइनली बोल सकते हो कि Q बाई वी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी और आप एक बात समझ सकते हो कि आप ये कर क्या रहे थे किसी ने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैं सेम बैटरी अगर लगाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की सेम बैटरी जो कि प्लस वी और जीरो जैसे ये देता है वैसी दे लेकिन मुझे एक ऐसा कैपेसिटर रखना है जो उन तीनों की पूर्ति कर सके वो जो तीनों काम कर रहे हैं वही काम ये अकेला सिंगल कैपेसिटर कर सके तो आपने इसकी कैपेसिटेंस को अगर इक्विवेलेंट मान लिया होता, इसने पिछली बार चार्ज छोड़ा था, ये भी छोड़ेगा यानी कि वहां पर जो क्यू बाई वी आया इट कैन बी कॉल्ड इज सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री यानी ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई तीन या तीन से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा कोई भी कैपेसिटर अगर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है ध्यान रखना तो उनका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस जो होता है इक्विवेलेंट वो उनके सिंपल के इक्वल होगा उनकी कैपेसिटेंस के यानी सिंपली वो ऐड हो जाता है इससे पहले वाले में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन था ये वैसा ही है जैसे कभी आप रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हो लेकिन ध्यान रखो ये पैरेलल वाला केस है ठीक है ना शेखर यार मैं सभी को एक ही तरह से तो बता रहा हूँ ट्री थ्री क्यू नहीं थ्री क्यू नहीं आ रहा थ्री क्यू कहाँ आ रहा है ये क्यू टू है ना आप क्या कर रहे हो आप इसको भी क्यू 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 कह रहे हो तब आपका थ्री क्यू हो रहा है ठीक है इसलिए थ्री क्यू हो रहा था संजय मैं पढ़ा दूंगा वैसे मैंने पढ़ाया भी था लेकिन मैं पढ़ा दूँगा ठीक है ठीक है देखो चलो ठीक है ना तो ये एक बात है ये फिगर टाइप का आप समझ गए होंगे अगर इसी में हम देख लें सारी चीज़ें ये प्लस के वी पर है ये जीरो पर है पोटेंशियल पर और आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ चार्ज अलग गया इसमें कुछ चार्ज अलग गया इसमें कुछ, इस कुछ चार्ज अलग गया लेकिन अल्टीमेटली वही सारे चार्ज मिलकर आए और फिर से उन्होंने वही चार्ज डेवलप कर दिया जो उनके पास गया था क्यों चार्ज बस इतनी सी बात है ठीक चलो ठीक है एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर देखो ये ये मुझे बताओ अगर कैपेसिटर है जैसे मैंने कैपेसिटर पर रख दिया अब देखो कल वाली बात यहाँ पर यूज होगी फिर से देखो मान लिया इस कैपेसिटर में प्लस 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 पूरा चार्ज जितना स्टोर हो सकता था उतना चार्ज स्टोर हो गया समझ लो मेरी बात जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें स्टोर हो सकता था उतना स्टोर हो गया यानी कि अगर आप कुछ भी एक्सेस चार्ज इसमें डालोगे ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा लीक हो जाएगा वापस चार्ज निकल जाएगा जैसे समझो कि आपका पूरा का पूरा जो भी बॉटल है पूरी फिल हो चुकी है कैपेसिटी एक लीटर थी आपने एक लीटर पानी भर दिया अब अगर आप थोड़ा भी पानी और डालोगे पानी ओवरफ्लो कर जाएगा वैसी वाला यहाँ चार्ज ओवरफ्लो कर जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा चार्ज डाला ये फुल भर चुका है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा इसके पास्ट में जा रहा हूँ पास्ट में कब जब इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था जब इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था तो सबसे पहले किसी ने इस पर एक चार्ज डाला होगा तो एक चार्ज आया होगा क्योंकि अभी बाल्टी पूरी खाली है आपकी तो इस पे चार्ज आ गया, आ गया यानी पानी ऐसी चीज गई अभी आपने आपने जैसे जैसे ही इसमें, जैसे ही इसमें इसमें दूसरा चार्ज चार्ज डालने की कोशिश से इस चार्ज को पहले वाले चार्ज के कारण एक रिपलसन महसूस हुआ होगा या ये कह सकते हैं कि इसको एक पोटेंशियल महसूस हुआ होगा जब आप इसको रख रहे होगे तो आपको एक फील आया होगा कि यहाँ कोई ऑलरेडी पहले से है ये वैसे ही है जैसे आप जमीन से पेन को या बॉल को उठा रहे हो ऊपर को क्योंकि ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, है। यानी कि मैं ही कहना चाह रहा हूँ आपने चेयर के ऊपर बॉल को उठा के रख दिया तो आपने क्या किया आप बॉल पर एनर्जी स्टोर करके रख है कितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्योंकि आपने उसमें डन किया उसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था आपने उठाया उठाया और उसे चेयर के ऊपर रख दिया अब जो बॉल है वो एक एनर्जी पे है उसके अंदर एक एनर्जी है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी सेम वही चीज हो रही है मान लिया ये अभी पूरी तरीके से भरा नहीं था चार्जेस आ रहे थे इसी दौरान मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया मैंने एक डी क्यू चार्ज को जो कि पॉजिटिव चार्ज था इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ ये तीन पॉजिटिव चार्जेस के कारण मुझे एक धक्का महसूस हो रहा है तो जब धक्का महसूस होगा तो मैं वर्क डन करके अगर उसको उसके अंदर डाल दूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल इस समय जब ये तीन तीन चार्जेस यहां पर थे लेट से उस समय इसका पोटेंशियल V था मेरी बात समझो ध्यान से पोटेंशियल की वैल्यू हर बारी में चेंज होती रहेगी जैसे जैसे जितने चार्ज वहां आते रहेंगे पोटेंशियल की वैल्यू बदलती रहेगी वैसे ही जैसे आपके बकेट में जैसे जैसे, जैसे पानी ज्यादा आता रहेगा जैसे जैसे क्यू ज्यादा होता रहेगा वैसे वैसे लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पानी सिर्फ इतना था तो लेवल इतना था जब पानी इतना हद तक पहुंच गया तो लेवल कुछ और हो गया यानी कि हम समझ रहे हैं कि पोटेंशियल हर इंस्टेंट पर बदल रहा है जैसे जैसे उसके अंदर चार्ज अक्यूमलेट हो रहा है इसीलिए मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि जिस समय लेट से इसमें तीन चार्जेस थे मान लेते हैं तीन ही कह लो चलो कोई बात नहीं उस समय इसने कुछ पोटेंशियल जनरेट कर रखा था प्लस वी का यानी कोई भी अगर चार्ज यहां लाया जाएगा ये इस पोटेंशियल से उसे रिपेल करेगा तो अब मुझे स्टूडेंट्स से एक बात बताओ मान लिया मुझे इस डी चार्ज को वहां रखना है और उससे रिलेटेड वर्क डन अगर डी क्यू है तो कोई मुझे बता सकता है कि ये वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इस पोटेंशियल वाले रीजन में रखने के लिए मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दो कौन बताएगा गुड गुड संजय वेरी गुड वेरी गुड मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना मुझे ठीक है ना गुड संजय गुड बहुत अच्छा सोनम ने बिल्कुल सही जवाब दिया बिल्कुल क्योंकि सबको पता होनी चाहिए एक बात कि जब भी हम कभी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर अगर वर्क डन करते हैं किसी चार्ज को ले जाने में तो यहाँ से यहाँ तक अगर इस पॉइंट को ए या इस पॉइंट को बी कहता हूँ तो जो वर्क डन होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वो इक्वल होता है कि वर्क डन अपॉन ए टू बी डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो इक्वल होगा कि उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है यानी कि कितना पोटेंशियल ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर्ड है इसी बात को ध्यान में रखकर इन्होंने बोला कि कि वर्क डन इज इक्वल टू टाइम्स पोटेंशियल यानी कौन है अभी डी क्यू जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं वो डी क्यू है और कितना पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में ले जा रहे हैं प्लस वी के पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में ले जा रहे हैं यानी कि ये ये क्या है ये इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर यहाँ पर चार्जेस तीन की जगह तीस होते तो आप ऑटोमेटिकली सोचो अगर चार्जेस ज्यादा होते तो लेवल ज्यादा होता Charges होते तो लेवल होता और मतलब पोटेंशियल मुझे डन ज्यादा करना पड़ता है समझ मेरी जितने ज्यादा चार्ज यहां मौजूद होंगे ऑटोमेटिकली पोटेंशियल वहां उतना ज्यादा हो जाएगा कैसे ऐसे समझो जितना ज्यादा पानी होगा ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा लेवल हो जाएगा ये एक तरीका पानी वाला जो एक्चुअली हो रहा है वो तरीका क्या है वो ये है कि जितने ज्यादा चार्ज हो जाएंगे उनकी रिपेल करने की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो काउंटिंग में ज्यादा होगा इसीलिए रिपेल कर पाएंगे है ना इसीलिए आपको वर्कडन उतना ज्यादा करना पड़ेगा ये V जितना ज्यादा उतना ज्यादा वर्कडन V को मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट इस पर्टिकुलर केस के लिए पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट है मेरा ठीक है ना किसी भी इंस्टेंट पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हैं उस है, है यानी कि मैं पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहता हूं कि अगर मैंने सारे चार्ज यहां पर रख दिए तो मेरे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि ये कुछ ऐसी बात हुई कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड देखो ध्यान से समझ लेना इस बात को ठीक है ना ठीक है इस बात को ध्यान से समझ लेना कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि डन का जब इंटीग्रेशन करेंगे w आ जाएगा ये डन कौन सा है मान लिया मैं कहता हूं कि मेरे पास जो प्लेट थी इनिशियली उसमें कुछ भी चार्ज नहीं था मैंने q इज इक्वल टू जीरो चार्ज से इसको q इज इक्वल टू कैपिटल Q चार्ज तक भरा है मान लिया मैं कह रहा हूं कि मैंने इसे यहां पर इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज तक मैंने इसको भर दिया यानी कि इसके ऊपर अब प्लस क्यू चार्ज आ चुका है जीरो चार्ज से प्लस क्यू चार्ज आया तो इस दौरान जब मुझे वर्कडन करना पड़ा होगा मेरा वर्कडन स्टार्ट हुआ पहले मुझे कुछ भी वर्कडन नहीं करना पड़ा होगा मतलब वर्क डन तो वैसे भी दो पॉइंट्स के बीच में डिसाइड होता है ना तो मैं कहता हूँ कि यहां से यहां तक आने के बीच में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा लेट से मैं उसे डब्लू कह रहा हूँ यानी जीरो से मुझे क्यू चार्ज रखने तक जो वर्क डन करना पड़ा उसे मैं क्या कह रहा हूं उसे मैं डब्लू वर्क डन कह रहा हूं तो आप समझ गए कि ये चीज क्या है ये एक इंटीग्रेशन है मैं कह रहा हूँ कि मैंने टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से जब स्टार्ट किया था और फाइनल टाइम तक जब मैंने किया बेसिकली उस दौरान का मैं वर्क डन कह रहा हूँ वो डब्लू हो गया और चार्ज मेरा कैसे इंटीग्रेशन के अंदर देखो वी डी क्यू Q इज इक्वल टू जीरो से लेकर चार्ज मैंने भरना स्टार्ट किया और जब मैंने Q इज इक्वल टू कैपिटल Q चार्ज भर दिया तब तक का मैं वर्क डन निकाल रहा हूं अब आप समझोगे की वर्कडन वर्कडन हो गया अब आप मुझे एक बार बताओ मैं इसे इंटीग्रेट कैसे करूं क्या V कांस्टेंट है जल्दी मुझे बताओ मैंने सही किया कि नहीं किया V हो गया DQ हो गया जीरो हो गया ये कैपिटल Q हो गया V को V लिखा DQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा और Q के प्लेस पे अपर लिमिट आएगी ये वी क्यू हो जाएगा जल्दी बताओ कितने लोग एग्री करते हैं जल्दी बताओ कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से जो मैंने लिखा हुआ है जल्दी बताओ श्याम यादव आप कह रहे हो जब हम वर्क करते हो एनर्जी स्टोर कैसे होती है एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चमकदार तरीके से आपको दिखाई दे ठीक है ना मतलब एनर्जी स्टोर करते हैं आप ऐसे समझो क्योंकि अगर आपने वो बॉल जो मैं कह रहा था उठा के आपने कहीं रखी है चेयर के ऊपर जब वो चेयर से बाई चांस नीचे गिरेगी तो वो देखो क्या क्या अपने साथ लेकर आएगी वेलोसिटी लेकर नीचे गिरेगी वेलोसिटी कहाँ से आई सवाल है वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई वो आपने जो पोटेंशियल एनर्जी उसे दी थी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली है नीचे गिर के बॉल हल्ला मचाएगी यानी साउंड एनर्जी आएगी वो साउंड एनर्जी कहां से आई वही एनर्जी का कन्वर्जन है जो आपने उसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दी थी ठीक है ना जब आप धनुष को खींचते हैं पीछे की तरफ मैं कह रहा हूँ आपने एनर्जी स्टोर करी आप कहोगे कहाँ करी कहाँ करी जब आप तीर छोड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब ये तीर भाग रहा है इतनी तेजी से ये काइनेटिक एनर्जी कहां से फ्री में मिली क्या इसे ये एनर्जी का कंजर, कंजर, है जो आपने खींचने में एनर्जी स्टोर की थी वो एनर्जी अब एक्शन में आई है तो पोटेंशियल एनर्जी जब तब्दील होती है ना तब उसके इफेक्ट पता चलते कि अच्छा ये ठीक है V इज वेरिएबल अच्छा अच्छा V को Q बाई सी लिख दो अच्छा 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 वेरी गुड वेरी गुड सबके सब बोल रहे हैं श ने अच्छा कहा कि सर पोटेंशियल तो चेंज हो इसीलिए मैंने जानबूझ कर लिखी है ठीक है क्योंकि देखो ना मतलब अगर हम देखो एक बार हमने डेरिवेशन देख लिया हम समझ गए कि कि को को चेंज चेंज करना करना है 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 थोड़ा सा ध्यान भी देना कि वी को क्यों चेंज करना है। क्या सच में बदल बदल रहा बदल रहा यस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वी बदलेगा जैसे जैसे चार्ज बदलेगा वी बदलेगा ही बदलेगा ये तो कैपेसिटर का बेसिक रूल है कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आप बोल रहे हो की क्यू जीरो से क्यू तक बदल रहा है और बोल लो वी कॉन्स्टेंट है तो अनर्थ हो गया इसीलिए ये फैक्टर आप लोगों के बिल्कुल दिमाग पर बैठ जाना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि v डेफिनेटली एक वेरिएबल वेरिएबल है है अगर ये है, तो फिर इसे सॉल्व कैसे करें बाईचान्स मैथ से से आप में किसी के पास तो जब y dx आता है तो आप कैसे सॉल्व करते हो इसे आप क्या बोलते हो कि आप ढूंढते हो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कहां लिखा हुआ आप उसको लाते हो अब आपके लिए इंटीग्रेशन करना आसान है जिसकी मैथ से मैं ऐसी कह दे रहा हूं कोई बात नहीं। Same काम मैं करूंगा मैं बोलूंगा तो नहीं, नहीं मुझे अगर मैं वी लगाऊ इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें रुक जाओ इधर रुक जाओ रुक जाओ अगर मैं अभी समझू यहाँ पर जब मैं पोटेंशियल डिस्कस कर रहा हूँ कि वी है उस समय लेट से जो ये चार्ज है इस चार्ज को ही मैंने स्मॉल क्यू क्या रखा है तो मैं समझ गया कि इस पर्टिकुलर केस में जो कैपेसिटेंस को फॉलो कर रही है सिंपल समझ के ना एक स्टेप को देखो मैथ्स को ऐसी में यूज मत करना है यहां पर क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा टूल है अपने पास उसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए आप लोगों को ताकि आप मैथ्स पढ़ने के लिए भी फिर इंटरेस्टेड रहो सी हमेशा एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया क्यू डी क्यू हो गया अब एक जैसे फंक्शन हो गए इंटीग्रेट करना बहुत आसान है वेरी गुड ठीक है ना होपफुली आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा सिर्फ डेरिवेशन के अलावा क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई टू हो गया जीरो टू क्यू हो गया आप आराम से बोल सकते हो कि वन अपॉन टू सी और एक बार अपर लिमिट रखोगे क्यू स्क्वायर माइनस कर लोअर लिमिट रखोगे जीरो का स्क्वायर तो बात एक ही हो गई मैं हटा रहा हूँ उसे ठीक है ना जीरो का स्क्वायर यानी कि एक ही बात है ये जस्ट इतना आया कितना कि उसको ऐसे मल्टीप्लाई ये जो वर्क डन करना पड़ा इसी वर्क डन को आप क्या कहते हो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन आपका स्टोर हो गया ये बात यार किसी को समझ में आई कि u का फॉर्मूला क्यों कैसा ऐसा आया जल्दी बताओ हां 1/c बाहर आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बाहर आ जाएगा लेकिन ध्यान भी रखना ठीक है ना गुड हाँ वी चेंज हो रहा है नाइस, वी चेंज हो रहा है ठीक है गुड वेरी गुड विवेक ज्योति बहुत अच्छा ठीक है ना चलो देखो अभी इस फॉर्मूले पे जो हमारा पीछे फॉर्मूला निकला ना यू इज इक्वल टू हाफ कितना निकला था वो पीछे देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यानी हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर ओवर टू सी ये हमारे पास फॉर्मूला निकला अब यार प्लीज यहाँ से एक ध्यान से बात सुनो एक इंटरेस्टिंग बात है जब भी फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना कोशिश करो कि मैथ्स को इतना रिलेट करो उसके साथ कि मजा आ जाए क्यू स्क्वायर बाई टू सी ये फिलहाल हमारे पास एक फॉर्मूला आया अब ये फॉर्मूला कह रहा है कि जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतना ज्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी की नो no डाउट ऐसा होगा बोलो होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा आप चार्ज डालते रहोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होने का मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो गई क्योंकि तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी जानते हो कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी बी होता है तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को जो कि अभी Q एंड C की टर्म्स में लिखा हुआ है आप चाहो तो Q को रिप्लेस कर सकते हो V की टर्म में आप बोल लो Q इज इक्वल टू यहाँ से आप बोल सकते हो Q इज इक्वल टू कितना हो गया सी वी अगर आप Q इज इक्वल टू सी वी यहाँ प्लेस करते हो तो ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी हो जाएगा एक सी इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कि एक सेकेंड फॉर्मुला बन रहा है हाफ सी वी स्क्वायर ये भी एक फॉर्मुला हो सकता है और ये फॉर्मुला किसकी टर्म में अगर आप देखोगे दिस इज इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी की टर्म्स में ऐसे ही कोई बोल रहा है कि मान लेते हैं कि सी की टर्म में भी आ गया वी की टर्म में भी आ गया क्यू सी की टर्म में भी आ गया क्यू और वी की टर्म में एक बार भी नहीं आ पाया तो आप क्या कर लो इसी फॉर्मुले से सी को हटवा लो या यहां से सी को हटवा लो कहीं से भी कुछ भी हटा सकते हो सी को हटा लो सी कैसे हटेगा आप जानते हो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी रख लो इस फॉर्मुले में जैसे ही आप सी को बोलोगे क्यू बाई वी तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी रखते ही आपका वी स्क्वायर से एक एक कट जाएगा आपके पास यू का फॉर्मूला आएगा हाफ क्यू वी तो ये तीनों फॉर्मूले एनर्जी के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे ठीक है चलो ठीक है अब मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब दो ठीक है मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब दो अगर मान लेते हैं आपको कोई बोलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कोई बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन है आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा एनर्जी निकालने का सीरीज so, कॉम्बिनेशन चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें अलग अलग कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है आपके पास सबसे अच्छा मतलब अगर मैं आपको एक बात पूछता हूँ रुक जाओ रुक जाओ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ एक छोटी सी ना बात पूछ रहा हूँ एक छोटी सी बात पूछ रहा मुझे एक बात बताओ एनर्जी जो है ना एनर्जी एनर्जी जो है कौन एनर्जी ये आपकी ना कैसे डिपेंड करती है पर और वी पर जल्दी मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी टाइप का कुछ ऐसा जल्दी बताओ या फिर मैं कुछ पूछना चाह रहा था एक मिनट रुक जाओ जॉब पूछता हूँ हाफ क्यू बी हाफ सी बी स्क्वायर बाई टू सी चलो ठीक है एक चीज करते हैं मुझे बताओ अगर ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी कि मैंने कहा कि अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड है लेट से ये सी वन है ये सी टू है और ये सी थ्री है ये सीरीज में कनेक्टेड है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ जब भी ये सीरीज में कनेक्टेड हो आपको एक बात बिल्कुल पता है कि इन सभी के पास जो क्यू की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है क्यू की वैल्यू है वो क्या है कांस्टेंट है ऑल दो इन सबके वी अलग अलग है इसका वी वन इसका वी टू इसका वी थ्री तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ सजेशन दे रहा हूँ सुनो क्या है सजेशन मैं ये बोल रहा हूं कि हमेशा एनर्जी के फॉर्मूले में आपको वो एनर्जी के फॉर्मुले को प्रेफरेंस देनी चाहिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसमें सी आ रहा हो और साथ में वो टर्म आ रहा हो जो हमेशा कॉमन है यानी कि क्यू 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 कॉमन है इसलिए मैं कह रहा हूँ सी एंड क्यू को प्रेफरेंस दो अब आप बोलोगे क्यूं दो मैं बताता हूँ क्यू देंगे देखो अगर मैं आपको कहता कि इनकी एनर्जी बताओ तो आप क्या करते हैं वन बाय वन पहले वाले की एनर्जी सेकंड वाले की एनर्जी और थर्ड वाले की एनर्जी का ऐड करते आप बोलते टोटल कैपेसिटर की जो अपनी एनर्जी है सिस्टम की वो इतनी है कोई बोलेगा कितनी है करके दिखाओ आप बोलोगे कि देखते हैं मैंने आपको क्या सिखाया कि इन दोनों को प्रेफरेंस दो क्यू और सी से रिलेटेड एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है ये वाला क्यू स्क्वायर बाय टू सी यानी आप बोलोगे Q square by 2C1, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस है ये ऐसा हो गया आप बोल सकते हो फर्दर कि क्यू स्क् कॉमन आ गया नीचे से टू भी कॉमन आ गया इन साइड द ब्रैकेट वी है सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री बचा नहीं बचा जल्दी बताओ अब फाइनली आई से कि ये जो अंदर की चीज है ये अंदर की चीज है इसी को तो आप क्या कहते थे इक्वेलेंट कॉन्स्ट वो कैपेसिटेंस जल्दी मुझे बताओ कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि मैंने सी के पैरों में इक्वेलेंट लिख दिया और ये आंसर आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये किसी को समझ में आई ये बात जो मैंने करी यहाँ पर यानी इसका मीनिंग ये हुआ जल्दी मुझे बता देना समझ में आया कि नहीं आया ठीक है ना जल्दी मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया क्लास डेली होती है दीपक यस सार्थक का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या सार्थक हम्म हाँ कर दूँगा कर दूंगा मैं अनिल मुझे थोड़ा दिख जाए कुछ एक मिनट रुक जाओ चलो निकलो यहाँ से सब निकलो फटाफट फटाफट निकल लो यहाँ से अब टाइम से ठीक है अब क्या कर लोगे बताओ हम्म क्या कर लोगे अब हटा दिया मैंने ठीक है जो यहाँ से फालतू की बात कर रहा है चिंता मत करो आपको शकल नहीं मिलेगी इनकी देखने को मुझे थोड़ा और देखने दो जरा एक मिनट चैट ऑफ क्यों करूं मैं इनको उड़ा देते हैं ना सीधे सीधे ठीक है उड़ा देते हैं ने? आ, आप लोगों को ना इन चीजों पे जरूरत नहीं है बोलने की कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है मुझे दिखेगा मैं हटाया उड़ा दूंगा क्या टाइम लग रहा है उड़ाने में ठीक है अभी आपको कुछ शरारती तत्व गायब होते हुए नजर आ रहे होंगे बेचारे देख तो रहे होंगे लेकिन सोच रहे हमारा कमेंट कहाँ चले जा रहा है यार ठीक है आप लोग बस अपने अपने एंड से सही बने रहे कहीं ऐसा ना हो गलत फिल्म में मैं आपको कुछ कर दूं ठीक है ना मतलब एक बात बोल रहा हूँ हमें इनसे मतलब नहीं कुछ इन चीजों से ना ठीक है मैं कुछ कहना चाह रहा था मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी आपको ये दिखेगा ना कैपेसिटर मैंने आपको कहा कि अगर आप सी एंड क्यू को पहले लोगे इतना बड़ा काम करने से आप सीधे कहोगे कि भाई रिलेशन क्या होता था एनर्जी का आप बोलोगे क्यू और सी का रिलेशन होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी तो आप सिंपल समझ जाओगे यहाँ तीन कैपेसिटर है आप सी की जगह सिर्फ सी इक्विवेलेंट लिख कर आपका फॉर्मूला बन जाएगा मेरी बात समझ रहे हो क्या मेरी बात समझ रहो ये है चक्कर ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आ रही मेरी बात तो मैंने क्या कहा ये बात समझे देखो एक बार पैरल प्लेट एक बार ना पैरल वाले में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं इधर देखो इधर ध्यान से देखो ध्यान से देखो मुझे खुद बताओ मुझे खुद बताना फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से मुझे बिना डिराइव करे कौन मुझे फॉर्मूला जल्दी से बता देगा मान जाऊंगा अभी अभी मान जाऊंगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव रहा ये नेगेटिव रहा इसकी कैपेसिटेंस सी वन इसकी कैपेसिटेंस सी टू इसकी कैपेसिटेंस सी थ्री सब बना के दे रहा हूं आपको ये क्यू चार्ज आया होगा यहां से भी क्यू चार्ज आया होगा लो सब बना के दे दिया आपको क्यू वन गया होगा क्यू टू गया होगा क्यू थ्री गया होगा अब लो बताओ क्या बोलोगे जल्दी से मुझे एनर्जी का फॉर्मुला बता दो फटाफट जल्दी से बिना डिराइव करें इस पर्टिकुलर केस में आपको सी वन सी टू सी थ्री के लिए बोला किसी ने कि इसकी जो नेट एनर्जी है हो, कितनी होगी कितनी होगी जल्दी बताओ कितनी होगी उसका सेंस समझना बोलने का क्या है वो नीता आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए ठीक है ना ठीक है सुझाव ना दे प्लीज जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर कौन बताएगा सी वी सी वी बहुत बढ़िया ज्योति गुप्ता एक्सीलेंट बहुत बहुत बढ़िया हिमानी यादव बहुत अच्छा हर्ष हर्ष देखो आपने क्या बोला आपने बोला क्यू इक्विवेलेंट हर्ष ध्यान से सोचो अगर हर्ष आप बोल रहे हो कि क्यू स्क्वायर ओवर टू सी क्यूवेलेंट तो हर्ष एक क्वेश्चन है आपसे कि क्यू कौन सा रखोगे तीन क्यू है यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला क्यूँ रखूं ये देगा नहीं आपको कोई ठीक है ना आपको तो बेसिकली ना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा आप ये नहीं कर सकते ना यहाँ पर क्योंकि आपको बेसिकली जो जानकारी दी होंगी ना जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा आपको सी पता हो सकता है जैसे अदर वोल्टेज पता सकता है यानी मैं कह रहा हूं काम क्या करना है सीधा सा हमें ढूंढना है इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा आपको पता है ये भी वी पोटें सबके सब वी पोटेंशियल डिफरेंस वी पोटेंशियल डिफरेंस वी तो उसको लिख दो और सी को तो हमेशा लिखना ही लिखना है बस अब आप ये ढूंढो कि इनका फॉर्मूला कौन सा आता है सी और वी के रिलेशन वाला आपको मिलेगा वो ये होता है हाफ सी बी स्क्वायर तो आप तुरंत यहाँ पे लिख सकते हो कि जो नेट एनर्जी होगी इट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लेकिन C क्योंकि आप कौन सा रखोगे तो इक्यू C रखोगे ऐसे समझ सकते हो ठीक है अगर कोई प्रॉपरली करके देखना चाह रहा है वो ऐसे समझेगा कि E1 वन प्लस इज इक्वल टू नेट एनर्जी आएगी अपनी और वो बोलेगा कि E1 हो गया आपका हाफ सी सी वी स्क्वायर हाफ सी टू वी स्क्वायर हाफ सी थ्री वी स्क्वायर और आप क्या करोगे वी स्क्वायर सब में कॉमन ले लोगे टू भी कॉमन आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री आप जानते हो पैरेलल में यही चीज क्या होती है इक्विवेलेंट 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 कैपेसिटेंस ठीक है हाँ गुड गुड शेल आप यार शेल तो फिर वो क्यू बाई टू सी वाला तो ऊपर है ना क्यू बाई टू सी वाला थोड़ा रिजल्ट है इसका सोनम प्रिया राइट क्यू स्क्वायर बाय टू फिर क्यू स्क्वायर बाय टू नहीं आ गए एक्चुअली ना ये आपको तब पता चलेगा जब आपको क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन आपको इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी की टर्म्स में दिया होगा ये क्वेश्चन आपको इन टर्म्स ऑफ दिस दिया होगा ठीक है ना कोई बात नहीं ठीक है कल के दिन हम क्वेश्चन करेंगे कुछ ठीक है एनर्जी डेंसिटी अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर एक प्लेट आपके पास ये इस तरह से एक प्लेट रखी हुई है और एक आपके पास ये सेकेंड प्लेट है पैरल प्लेट कैपेसिटर की इनके बीच में जो भी आपने डायालेक्ट्रिक प्लेस किया होगा क्योंकि आपको पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट लेट से है ये नेगेटिव प्लेट है तो ये पूछने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है आपसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसे आप स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे एनर्जी को कैपिटल यू से करते थे इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जैसे मास डेंसिटी नहीं होती कि मास पर यूनिट वॉल्यूम वैसी एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इस प्लेट का एरिया ए है और यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस डी है तो जो इनके बीच में ये जो एक वॉल्यूम सा जो एक स्पेस बना जिस हुआ जिसमें आपका डाय प्लेस होता होगा जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि एक आपके पास ग्लास होगा ग्लास के दोनों तरफ आप कोटिंग कर देते हो तो आपका डायलैक्ट्रिक बन जाता है ये ग्लास के दोनों तरफ आपने मेटल कोटिंग कर दी आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बन गया ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बना आपके पास इसी को हम कैपेसिटर कह रहे हैं तो ये जो आपके पास ये जो चीज है बीच वाली चीज जिसको हम कह रहे हैं कि डायइलेक्ट्रिक है इस डायलेक्ट्रिक का जितना वॉल्यूम होगा वो कितना होगा सोचो वो होगा इसके प्लेट के एरिया और जो वो सामने डिस्टेंस है उसके ऐसे तो निकालोगे एरिया ये पूरा हो गया और जितना ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया जितना डिस्टेंस होगा उतना वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई करोगे तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू सभी लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू विध इंटू हाइट होता है एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए विध इंटू हाइट होता है यही होता है अगर मान लिया मैं कहता हूँ किसी दो डायमेंशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा लेंथ इंटू विध क्या मिलेगा एरिया और एरिया इंटू हाइट यानी कोई अनदर डिस्टेंस जो भी होगी थर्ड डायमेंशन बस हो गया तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे वॉल्यूम यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो इट इज नथिंग बट एरिया टाइम्स जो उनके बीच का डिस्टेंस है ए डी ये उसके इक्वल आ गया यानी अगर ये डिस्टेंस मैंने डी सपोज करा उन प्लेट्स के बीच का और दोनों प्लेट में से किसी भी प्लेट का एरिया ए है क्योंकि तो दोनों के एरिया ही ए होंगे तो उस समय वॉल्यूम ये निकल गया आप ऊपर वाले फॉर्मूले में रखकर एनर्जी की वैल्यू आप रख सकते हो एनर्जी का मतलब क्या हो गया हाफ सी वी स्क्वायर ठीक है ये आपकी एनर्जी हो गई और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर क्या बच गया एरिया इन टू डी समझ में आ रही है बात इतनी सी बात है ठीक है बस इनकी वैल्यूज को एक बार फटाफट से प्लेस कर लेते हैं आप जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्ले केस uh, में अगर कोई आपसे बोलेगा सी की वैल्यू क्या होगी आप बोलोगे ए एफसेल नॉट डिवाइडेड बाई डी अगर मान लेते हैं कि बीच में एयर फिल है के इज इक्वल टू वन वाली तो हम कहेंगे यू का फॉर्मूला जो हो गया एनर्जी डेंसिटी का हाफ सी सी मतलब ए एफसेल नॉट डिवाइडेड बाई डी और ये V V कौन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो पीछे से और हम जानते हैं कि E इज़ इक्वल टू क्या होता है डी वी बाई डी आर जो कि इतना होगा इस बार V बाई डी के कुल क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच का इतना है तो यहाँ से आप V को कैलकुलेट uh, करके बोल सकते हो E इन टू डी टाइप का और उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ए डी आप आसानी से a से इस a को कैंसिल कर सकते हो U का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है देखो जरा एक डी ये डी और ये डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर होगा वो इस डी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे आपके पास सिंपल रिजल्ट आ रहा है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट या हाफ नॉट ई स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको ये बताने की कोशिश करिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी आ रही है यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में अगर आप देखोगे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी और आप ये भी देख रहे हो कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसमें एनर्जी कहां पर स्टोर होती है है ना? तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी जो ये बीच में, इनके बीच में में इनके होती है जो कि किसकी फॉर्म में स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है आप ऐसा भी कह सकते हो इस चीज को ठीक है ना क्यू वन क्यू टू बाई टू मतलब एक मिनट देखिए जरा कोई और तो नहीं है यश याशिका गुड इज़ इक्वल टू ए इन टू डी हाँ चलो ठीक है यूनिट मीटर क्यूब में ये भी एक कह सकते हो आप ठीक है एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होती है उसी को तो कहेंगे है ना ठीक है सिग्मा से भी दिखा सकते हैं हम देखो ना अगर सिग्मा से भी देखा सकते हैं हम बिल्कुल सही कहा आपने सिग्मा से भी देख सकते हैं ठीक है इसी चीज को अगर कोई देखना चाह रहा है सिग्मा से भी देख सकते हैं ठीक है जैसे मान लेते हैं एक बार ट्राई करते हैं जैसे हमारे पास एनर्जी पर यूनिट क्योंकि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूले है ना सो न एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर जो होती है उसको हम एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं अब अभी हमने इससे पहले स्क्वायर वाला फॉर्मुला यूज किया था यहां पर 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 कहीं पर किया था ये स्क्वायर एनर्जी के प्लेस पे रखा था तो आप हाफ सीवी स्क्वायर ना रख के एक बार कुछ और ट्राई करके देख सकते हो जैसे मान लेते हैं एक बार क्यू बार ट्राई कर लेते हैं ठीक है सोना ये रख लिया एनर्जी का फॉर्मूला क्योंकि ये भी आया था वॉल्यूम में मैंने क्या लिख लिया वही ए इंटू डी एरिया ऑफ दी प्लेट डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स ठीक है अभिषेक समझ में आ रहा है तो हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज ओवर टू सी सी के प्लेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कितना डी समझ लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इतनी होती है और ये हो गया ए इंटू डी ये डी को आप इस डी से कैंसिल कर सकते हो सोनम क्यू स्क्वायर में आपका ऊपर पे जो बचा हुआ क्यू स्क्वायर और नीचे पे बचा हुआ टू ए स्क्वायर एप्सल नॉट कैन आई राइट इट एज टू ए स्क्वायर एपसेल नॉट उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि वन अपॉइंट नॉट को मैं इधर ले आया और यहाँ पर मेरे पास बचा क्यू बाई ए का होल स्क्वायर कह सकते हो और क्यू बाई ए सभी लोग जानते हो कि सिग्मा यानी कि क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कहते हैं इसीलिए हम कह सकते हैं वन अपॉइंट टू एप्सल एन नॉट टाइम सिगमा स्क्वायर मतलब सिंपल ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है एनर्जी डेंसिटी का सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एप्सेल एन नॉट जल्दी बताओ किसी को समझ में आया किसी को समझ में आया सेकेंड तरीके से इससे पहले जो हमने देखा वो क्या था वो था हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है ठीक है जल्दी बताओ किसी को क्लियर हुआ थोड़ा सा हाफ ई स्क्वायर एप्सल नॉट गुड श्याम यादव बहुत बढ़िया श्याम बहुत अच्छा अच्छा करते हो आप शाबाश तनिष्क यार मैंने आपका चैट नहीं पढ़ पाया ना क्या था चलो मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा ठीक है क्वेश्चन भी एक बार करेंगे हम इस पर बेस्ड गुड ठीक है देखो क्या आप लोगों को लग रहा है कि हमने एक बार एनर्जी के प्लेस पर ये यूज करके देख लिया हाफ सी वी स्क्वायर हमने एनर्जी के प्लेस पे एक बार ये यूज करके देख लिया तो क्या हम कुछ और भी फॉर्मूला निकल सकता है क्या इसका कोई मुझे बता सकता है क्या कुछ इसका एक और फॉर्मूला निकल सकता है क्या एनर्जी डेंसिटी का कोई मुझे बताओ निकल सकता है या नहीं निकल सकता बस इतना बोल दो ट्राई करना तो बनता है मेरे हिसाब से क्योंकि एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम आपने दो फॉर्मूले यूज कर लिए एनर्जी का यला फॉर्मूला मेरे ख्याल से अभी हमने यूज नहीं किया हाफ क्यू वी जो ये फॉर्मूला होता है तीसरे नंबर का ठीक है हिमानी हाँ तो तीसरे नंबर का फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं उसको जब हम यूज करेंगे वॉल्यूम कितना देगा ए डी तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो ये सिर्फ हाफ क्यू वी है यानी कैपेसिटेंस पर रिलेट ही नहीं कर रहा आप अगर कहना ही चाह रहे हो बाई चांस निकालना ही चाह रहे हो तो आप कह सकते हो ये हो गया ऐसा करके Q इन टू वी वी यहाँ पर कौन है V कौन है ये पोटेंशियल है ध्यान रखना ये पोटेंशियल है ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस है ये नीचे वाला V वॉल्यूम था कहीं कैंसिल मत कर देना आपस में Q बाई को आप सिंपली सिग्मा कह सकते हो सिग्मा ओवर टू डी टाइप का कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा ठीक है ये कोई खास फॉर्मूला नहीं है ट्रेंड में नहीं है कोई फैशन में नहीं है फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता बेसिकली यूज वही दो होते हैं ठीक है ना लेकिन कहा जा सकता है ऐसा भी ठीक है और उसमें भी आप एक काम कर सकते हो इस पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आप लिख सकते हो ना इज इक्वल वी इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हो हाँ तो वी बाई डी को ई e लिख सकते हो यानी कि आप कह सकते हो हाफ सिगमा इन टू ई ये इस तरीके से ये जा सकता है मेरी बात समझ में आई किसी को या इसको आप ऐसे बोल सकते हो इस फॉर्मूले को ठीक है क्योंकि वी बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई e. ये बात समझ में आई किसी को लास्ट वाली बात जल्दी से बताना हाँ प्रशांत वेरी गुड क्यू क्या बोला आपने क्यूज इक्वल टू सीवी अच्छा अच्छा मोबिलिटी जो होगी ना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़नी है मोबिलिटी और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी मोबिलिटी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी है वही का टर्म भी है ठीक है ना ठीक है और इसके बाद हमारा जो अगला ले चैप्टर होने वाला है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही होने वाला है ठीक है अगला लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही होने वाला है तो कल एक बार कोशिश करते हैं कि कल ना न्यूमेरिकल्स देखने की कोशिश करते हैं कि कल हम न्यूमेरिकल देखें इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अदरवाइज हमें अब जो अगली यूनिट स्टार्ट करनी है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने नेक्स्ट पढ़ना है ठीक है ना लेकिन इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा अगर देखें तो हम कल टाइम निकाल के न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ताकि डे आफ्टर टुमारो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर सकें ठीक है तनिष मन पढ़ लिया आपका कमेंट है चलो ठीक है चलो ठीक है चलते हैं फिर है ना ठीक है ओके यार हम ओके <laughs> अच्छा ऐसी बात है चलो ठीक है और कोई चलो ठीक है कल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ठीक है आज कल हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके ठीक है ना कल कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए ठीक है थीके? चलो ठीक है चलिए ठीक है स्टूडेंट अभी फिलहाल चलते हैं ठीक है सच्चिदानंद कुमार गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ओके ठीक है चलो ठीक है गुड बाय अभी चलते हैं सबके सब ठीक सब है अभी चलो फिर चलिए ठीक है